दोस्तों, क्लास वन चैप्टर वन में आपका स्वागत है। फ्री मोबाइल रिपेयरिंग कोर्स करना चाहते हो? हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। चैप्टर वन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये फ़ोन जो है MI नोट 4 है। ये फ़ोन को सबसे पहले हम लोग खोलेंगे और खोलने के बाद में इसकी हर एक चीज़ को स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। सबसे पहली चीज़ ये देखेंगे कि ये फ़ोन किस तरह खुलता है ना। जितने भी सामान है, जैसा कि इसकी बॉडी हो गया, पैनल हो गई, बैटरी हो गई, चार्जिंग स्ट्रिप हो गई, PCB हो गई, हर एक चीज़ के बारे में बारीक से बारीक तरीके से उसकी डिटेल को निकालेंगे। और डिटेल को चैप्टर वन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये MI नोट 4 है। इसको सबसे पहले हम लोग डिसम्बल करने वाले हैं। तो इसमें देखेंगे ये इसमें क्या क्या इंस्ट्रूमेंट, क्या क्या सामान है, क्या क्या चीज़ें इसके अंदर है, सबसे पहले वो देखेंगे। उसके बाद की डिटेल जो है देखने वाले हैं। सबसे पहले ध्यान रखना है कि सिम ट्रे निकालने में, मैं सिम ट्रे निकाल चुका हूँ। उसके बाद में नाखून की मदद से या तो आप ओपनर से जो है इसको बैक पैनल इसका निकाल सकते हो। बैक पैनल निकालने के दरमियान में ये ध्यान रखना है कि इसकी जो फिंगर स्ट्रिप है वो फिंगर स्ट्रिप बैक पैनल के साथ में ना आ जाए। ये बैक पैनल मैं निकाल लिया हूँ। इसके बाद में जो है सबसे पहले इसकी फिंगर स्ट्रिप निकालना है। ये फिंगर स्ट्रिप निकालना है। उसके बाद में इसमें जितनी भी स्ट्रिप लगी हुई है सभी स्ट्रिप को डिसम्बल कर देना है। ये ध्यान में रखना है। इसमें देखो ये 1, 2, 3, ये 4, ये 5 और ये कैमरे की स्ट्रिप, ये जितनी भी स्ट्रिप इसमें लगी हुई है इसको बोर्ड से अलग कर देना है। ये बैटरी की स्ट्रिप निकाला मैं। ये सेंटर फ्लेक्स की स्ट्रिप है, ये बैटरी की स्ट्रिप है और ये इसका लॉक इस तरह निकलता है। ये स्ट्रिप को आप ट्वीज़र की मदद से निकाल सकते हो। उसके बाद में ये कैमरे की स्ट्रिप है। ये कैमरा निकाल के मैं साइड में रख देता हूँ। उसके बाद में ये टच की स्ट्रिप है, ये टच की स्ट्रिप को निकाल देता हूँ। ऑन ऑफ स्विच की स्ट्रिप है, ये ऑन ऑफ स्विच की स्ट्रिप को इस तरह निकाल लेना है। उसके बाद में इसमें जितना भी स्क्रू लगा हुआ है वो स्क्रू देखना है और उसको ये जो है ये एक्सटर्नल एंटीना है, ये एक्सटर्नल एंटीना है।
हैं।